हेलो गाइस, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता और टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द करियर प्लेट्यू। ये करियर प्लेट्यू क्या होता है? मैंने अपना जो करियर प्लानिंग का जो टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उसमें मैंने करियर्स के बहुत सारी टर्मोलॉजीज कवर की हुई है, करियर डेवलपमेंट, करियर मैनेजमेंट, करियर पाथ, करियर गोल, करियर प्लानिंग। बट आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द करियर प्लेट्यू। एक्चुअली होता क्या है, हर इंसान की लाइफ में एक ऐसी पोजीशन आती है जिसे कह सकते हैं कि वहां पर वो जाकर स्टेबल हो चुका है, उसकी लाइफ की वो हाईएस्ट पोजीशन हो जाती है, जिसके बाद उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। मतलब वो टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंच चुका है, उस कंडीशन को कि जहां पर उसके लिए अपॉर्चुनिटीज खत्म हो चुकी हैं, उस कंडीशन को करियर प्लेट्यू कहा जाता है, है ना। जहां पर उसके लिए अपॉर्चुनिटीज खत्म हो चुकी हैं, वो टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंच चुका है, उसे कहा जाता है करियर प्लेट्यू। अब बात ये आती है, ये जो करियर प्लेट्यू होता है, क्या ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा? तो गाइस, के लिए जो आपका करियर प्लेट्यू है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो चुका है। लाइक अगर आप इस जिस पोजिशन पर पहुंचना चाहते थे और आप उस पोजिशन पर पहुंच चुके हैं एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट दिस, सो लाइक ठीक है, वो आपके लिए पॉजिटिव है। बट इन केस कि आप जब करियर प्लेट्यू की कंडीशन में पहुंच चुके हैं जहां पर उस कंपनी में आपको कहीं ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, है ना, आपको लग रहा है कि आप उस पोजीशन, उस हाईएस्ट पोजीशन को आपने अचीव कर लिया है कंपनी की, और जहां पर आप लोगों के लिए जो वर्टिकली आप लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत कम रह गई है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? तो कुछ क्रिएटिव आइडियाज के थ्रू, कुछ अपने बॉस को कम्युनिकेट करके आप कुछ इनिशिएटिव ले सकते हो नया, और उसके चलते अपने उसके जो करियर प्लेट्यू वाला जो फंडा है, लाइक वो जो स्टेबल पोजीशन आपकी आ चुकी है, उसे बाहर निकलने के लिए आप ट्राई कर सकते हो और एक नए पोजीशन को आप इन्वेंट भी करा सकते हो। सो बेसिकली ये होता है आपका करियर प्लेट्यू। आई थिंक क्लियर हुआ हो। वर्टिकली आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, वो पोजीशन कहलाती है करियर प्लेट्यू। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।